कैसे हो दोस्तों, आशा है कि आप लोग सकुशल होंगे। मैं आपका दोस्त धर्मराज सिंह अपने चैनल पर लाइफलाइन में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पुरानी यादों को याद करते हुए दोस्तों बौदौड़िया वाराणसी जगमबाड़ी के पास स्थित सुशील सिनेमा हॉल के बारे में जानेंगे। उसको बंद हुए दोस्तों करीब 14 साल बीत गए, उसके स्थान पर नई नई दुकानें खुल गई हैं। दोस्तों पुरानी यादों को ताजा करते हुए दोस्तों सुशील सिनेमा के इतिहास के बारे में जानते हैं, वहां के आसपास के लोग किस प्रकार इसको याद करते हैं। दोस्तों सुशील सिनेमा हॉल के बारे में हम लोग जानेंगे, जो खोदरिया का या कह सकते हैं बनारस का बहुत ही पुराना सिनेमा हॉल था, और इसके बारे में हम लोगों से जानेंगे यहाँ का सुशील सिनेमा हॉल किस प्रकार का था। तो चलिए चलते हैं गौदौड़िया मेन चौराहे के पास सुशील सिनेमा हॉल के बारे में हम लोग जानते हैं। गौदौड़िया चौराहे से दोस्तों यहीं से जगमबाड़ी सुशील सिनेमा की ओर जाने का रास्ता है। यही रास्ता दोस्तों अस्सी घाट और कासु हिंदू विश्वविद्यालय की ओर चला जाता है। रेड तीर की तरफ देखिए दोस्तों, यही सुशील सिनेमा हॉल है। यह दोस्तों सुशील सिनेमा हॉल के पीछे से रास्ता है जो जगमबाड़ी की तरफ जाता है, और यह बहुत सकरी गलियां हैं दोस्तों बनारस की। जो चैनल वाला गेट देख रहे हैं दोस्तों, इसी में से लोग सिनेमा देखने के बाद बाहर निकलते थे। यह दोस्तों सुशील सिनेमा हॉल के पीछे वाला भाग है दोस्तों, जो काफी ऊंचा बड़ा दिखाई दे रहा है। इसी रास्ते से आगे जाने पर दोस्तों गौदौड़िया चौराहे पर पहुंच जाएंगे। चलिए दोस्तों हम लोग वापस चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। Yeah.
क्या नाम है आपका? राजू गुप्ता। राजू गुप्ता एक रहने वाले हैं? हाँ, तब भी कहाँ रहते हैं, यहाँ पर कहाँ रहते हैं? जद्दू मंडी एरिया। जद्दू मंडी कहाँ है पर? ये लक्षा औरंगाबाद के बीच में। अच्छा, जैसे आप 40 साल से यहाँ रह रहे हैं ना, तो सुशील सिनेमा हॉल के बारे में जानते भी होंगे? हाँ, ये सुशील सिनेमा, उसके पहले निषाद सिनेमा था। उसके पहले इसका निषाद नाम था, निषाद सिनेमा हॉल। तो जैसे कि जो सिनेमा हॉल है ये तो बंद हो गया अब? हाँ, बंद है। तो कितने साल हो गया बंद हुए? अरे हो गया करीब करीब, इसको बंद हुए 14 साल हो रहा है। 14 साल हो गया। तो सबसे पहले मतलब जैसे कि आप शुरुआत में जब आप आए थे यहाँ पर, तो शुरुआत में ही मतलब इसका नाम निषाद था? हाँ, पहले निषाद सिनेमा था, हमारे पिताजी रहे, सुशील सिनेमा हुआ तो हम हुए। अच्छा, उसके बाद चल रही है। तो फिल्म देखते थे यहाँ पर? हाँ, फिल्म देखते। हाँ, कौन सी फिल्म देखे थे आप? अरे जो लग जाता था, जाते थे 10 मिनट के लिए, खड़े हो जाते थे, फिर वापस चले जाते थे। जैसे कि आप 14 साल हो गया बंद हुए, तो पहले यहाँ पर काफ़ी चहल पहल होती थी? नहीं, पहले तो नहीं होती थी उतनी चहल पहल। सिनेमा रहा तो सिनेमा के लोग चार रखते थे, सिनेमा देखते थे। जब से मोदी जी आए तब से इंडिया का बहुत डेवलप हुआ है, तो मोदी जी का देन है कि इतना बनारस। नहीं, सुशील सिनेमा हॉल में कौन सी फिल्म देखे थे आप? अरे उसमें बहुत पिक्चरें लगी हुई थी, क्रोधी लगी हुई थी, आशा पिक्चर लगी हुई थी, उला बिकता है लगी थी। तो जब ये बंद हो गया तो अच्छा लगता है आपको अब? नहीं, बंद हो गया तो उसके बाद कुछ दिन तो अच्छा नहीं लगा, उसके बाद समझ में आया कि नहीं सब कुछ ठीक। मतलब जैसे कि अभी आप कमाई नहीं हो पाती थी? हाँ, लाइन अपना चेंज हो गया। अच्छा, लाइन अपना चेंज हो गया। तो कभी यहाँ पर भी दुकान, जब फिल्म हॉल था यहाँ पर, सिनेमा हॉल था, उस समय खाने पीने की चीज़ थी? क्या बेचते थे आप उस समय? वही पैटीज, क्रीम रोल वगैरह, खाने पीने की चीज़, कैंटीन टाइप का था। सब लोग आते थे यहाँ पर, तो मतलब कि आप लोग बेचते थे, बड़ी भीड़ होती थी। अब कम समय में ही मतलब वो दौर के लोग ही नहीं रह गए कि सिनेमा देखने वाले की चाह खत्म हो गई। हाँ, मोबाइल जब से हो गया, टीवी हो गया। क्या भैया, यस, यहाँ पर सुशील सिनेमा हॉल था ना पहले? सुशील से कहा, हम निषाद रहा, इसका नाम तब से जानते हैं। निषाद रहा? हाँ, उसका पहले इसका नाम रहा निषाद, फिर उसके बाद हुआ सुशील। अब बताइए कितना हम पुराने हैं। तो मतलब कैसा, मतलब कि उसमें बंद हो गया, अब तो बंद ही हो गया मान लीजिए, आप बहुत फिल्म देखे होंगे यहाँ पर? अरे फिल्म का आशिक था। आप फिल्म का आशिक थे? हाँ। क्या नाम है आपका? किशन यादव। किशन यादव, यही पास रहते हैं? हम पास ही है। तो ये जो गली गई है भैया, इस गली के अंदर मतलब कि लोग, मतलब कि कौन सी गली है ये? इस गली के अंदर गणेश महल, जगमबाड़ी गणेश महल, गणेश महल है। अच्छा, ये इसकी स्थापना कौन किया था सुशील सिनेमा हॉल का? अभी इतना हमको नहीं याद है बाबू जी। बुलबुल बनर्जी। बुलबुल बनर्जी, ये बताएंगे। अच्छा, बुलबुल बनर्जी कहाँ के रहने वाले थे? ये कलकत्ता के थे। तो अब मतलब ये सब बंद हो गया, अब चले गए वो? नहीं, वो उनकी शादी ब्याह नहीं हुई थी, उनकी दुनिया खत्म हो गई। उनके भांजे रिश्तेदार, पैसा होता तो बहुत से रिश्तेदार हो जाते हैं। हाँ हाँ, तब उसमें लोग अपना अपना दाखिल किए, जिसका बना हक हिस्सा, तीन लोग का बना, तीनों लोग अपना लिए, फ्लाइट से निकल गए। अच्छा, मतलब उनको तबाह कर दिए, उनको बर्बाद? नहीं, उनके मरने के बाद वारिस चाहिए ना इसका। हाँ, तो उनका वारिस लड़के थे नहीं? नहीं नहीं, शादी नहीं हुआ था। अच्छा, उनका यहाँ नहीं, कलकत्ते में भी है सिनेमा हॉल। अच्छा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर तो दो तीन के है, एक ही था यही सिनेमा। अबे वाह, नहीं वो सब किराए पे लेके चलाते थे। नहीं, मान लीजिए ठीक है, सिनेमा हॉल था या नहीं था, तो जैसे कि बुलबुल बनर्जी नाम था उनका। हाँ। तो उनके कोई लड़के वारिस नहीं थे, कोई बच्चा ही नहीं था, तो जो उनके मतलब और पास रिश्तेदार हो गए। हाँ, करीबी जो रिश्तेदार थे वो मतलब कि अपना ले लिए। हाँ, अपना हिसाब किताब, जब अग्रवाल जी खरीदे उन हिसाब किताब सबको लेके चले गए। अच्छा अच्छा, तो जैसे भैया बंद हुए 10 साल हो गया, 14 साल 10-12 साल जो भी हुआ हो, तो कैसा लगता है आप लोग को? अब यहाँ का माहौल एकदम सन्नाटा। नहीं नहीं, 4 साल तक तो बड़ा खराब लगा, लेकिन 4 साल के बाद देखा जाए तो मोदी जी का वजह से ये जो हम मोदी जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सुशील सिनेमा हॉल की बात कर रहे हैं। सिनेमा हॉल की, सिनेमा हॉल का चाक सबका खत्म हो गया, शौक खत्म हो गया, कि उसमें मजा आता था ना आप लोग को? अरे उस समय तो आप हमारी, आपकी उम्र है, उसमें मजा तो बहुत कुछ आता था उस समय का दौर। अभी भाई उस समय जब सिनेमा, जैसे ये सामने देख रहे हैं कि इस समय जो है स्वास्तिक स्वर्ण कला केंद्र खुल गया, तो जैसे कि उस समय जब लोग आते थे तो नई फिल्म लगती थी, कितनी भीड़ होती थी, जाम हो जाता था। और उसमें बहुत मतलब लोग बालकनी में चढ़ के टिकट लेते थे, ब्लैक में टिकट लेते थे। उस समय का हुड़दमबाजी अलग थी, वो अलग था, बनारसी पना अलग थी। तो बनारस में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी,
अब व्यवस्था धीरे धीरे हो रही है। तो उस समय का दिन याद करिए, आज का दिन याद करिए, कितना अंतर छोड़ दीजिए, पहले की पुरानी फिल्म, पहले की पुरानी गाना, पहले के लोग, फिल्मी फिल्म देखना अलग था, जैसे फिल्म देखना अलग भावना थी, लेकिन सबसे बड़ी थी कि आपस में लोग मिलते जुलते, ये बात तो सही है, आपस में मिलजुल के बातें करते थे, लोग चाय पानी एक साथ करते थे। आज किसी के पास टाइम है? किसी के पास टाइम नहीं है, लोग भागम भाग, बच्चों के पास भी नहीं है, मोबाइल हो गया है, मोबाइल में मिले हुए हैं, सब उसी में व्यस्त है, मिता माता पिता से मतलब नहीं है। लोग पहले परिवार के साथ फिल्म देखने आते थे, लड़के बच्चे को कुछ भी कहिए तो आगे रुक जाइए, हम आ रहे हैं, अपना मोबाइल में मगर। जैसे पहले लोग माता पिता के साथ फिल्म देखने आते थे, बहु बेटी आती थी तो लोग बैठ के साथ देखते थे, तो आपस में प्यार होता था। अरे उसका प्रभाव कुछ और पड़ता रहा और अच्छा लगता था लोगों को, लेकिन वो सब खत्म हो गया। तो अब मतलब लगता है कि अच्छा लगता नहीं, लोग अपने मगन में है, हम लोग अपने काम धंधा के मगन में रहते हैं, कमाई धमाई के मगन में। पहले से मतलब बहुत काफी बदल गया, बहुत बदल गया, एंजॉय अब खत्म हो गई, वो चीज नहीं रह गई, हर आदमी व्यस्त हो गया, हर आदमी व्यस्त हो गया, इतना व्यस्त हो गया कि आजकल एक बाप अपने बेटों को कुछ समझाता तो उसके असर नहीं पड़ते, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप बोलते रहिए, बेटा भी अपने मन का करता है, सब अपने मन का करता है, कोई किसी की बात मानता नहीं है। जो पहले के जो रहते थे लोग, वो भी उसमें अच्छे भी थे, खराब भी थे, और दोनों थे, लेकिन पहले का जो माहौल था वो थोड़ा सा आपस में बैठ कर लोग बातचीत करते थे, बड़े लोग बातचीत करते थे, वो माहौल नहीं रह गया, वो चीज नहीं, क्योंकि गार्जियन भी बिजी हो गए हैं, अब सबके अंदर स्वार्थी पना आ गया, एकदम सही बोले, और स्वार्थी पना आने की वजह से जैसे माता पिता हो गए हैं वैसे बच्चे हो गए। भाई माता पिता भी मोबाइल चला रहे हैं दिन भर, जीवन के गेम खेल रहे हैं, और जो है सास बहू की झगड़ा देख रही है बीबी, बात वो भी तो है, लेकिन ये हाल बहुत अच्छा था इससे। अरे लेकिन जमाने में बहू का मनोबल या बच्चों का मनोबल बढ़ाने में हाथ माँ बाप का ही होता है। अच्छा ये बताइए, उस समय सबसे पहले आप जब टिकट लिए थे यहाँ पर तो कितने पैसे का टिकट लिए थे आप? उस समय रहा टिकट 4 रुपया, 2.5 रुपया, आगे सबसे 2 रुपया 25 पैसा, 4.5 रुपया, 6.5 रुपया, सेकेंड क्लास 2.25, फर्स्ट क्लास 4.5, जब 6 रुपया बालकनी, जब कोई टिकट नहीं मिलता था तो लोग हुड़दमबाजी करके मतलब कि आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते थे, लेकिन करना अलग चीज़ है, फिर आपस में मिल भी जाते थे। और सबसे बड़ी ये बात देखिए, इसी तरीके से टिकट उनको मिल जाता था, टिकट ले लिया बट बवाल खत्म, चाय पान साथ में करके निकल गए। तो उस समय जैसे कि लोग छूटते थे तो आगे तुरंत मतलब कि समोसा मोसा खाते थे, भीड़ लगती थी, कितना जल्दी जल्दी सामान देते, कैसा लगता था उस समय? बहुत सुंदर लगता था, जल्दी दो यार पिक्चर छूट रहा है, जल्दी दो पिक्चर, पान लगा यार पान लगा यार। बहुत तरह की बातें होती हैं, अरे हर किस्म की। तो उसका भावना खत्म हो गया, अब वो सब भावना नहीं रह गया, सब खत्म धीरे धीरे। तो कभी कभी उस चीज़ याद आता है? अरे क्यों नहीं याद आएगा, मगर आपके लोग को याद आवे चाहे ना आवे, हम लोग तो भाई शुरू से यहाँ पर रहे, आप लोग याद आता है? हम लोग को याद आता है कि जो आप क्या लेंगे। बस केशव प्रसाद जी हैं और खास तौर से भाजपा से जुड़े हुए भी हैं। पहले जो है गदुरिया चौराहा जहाँ पर है मेन दशावतार घाट के पास ही, वहाँ के ही रहने वाले हैं। वहाँ पर एक स्थान है अगस्त कुंडा, अगस्त ऋषि के नाम पर ही अगस्त कुंडा पड़ा है, उसी स्थान के रहने वाले हैं। सर्वप्रथम मैं अपने धर्मराज जी जो अपने यूट्यूबर हैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ऐसे चीज़ों को ये खोज लाते हैं जिसमें लोगों की सहभागिता रहती है और उनको अच्छा भी लगता है। देखिए हमें भी अपना बचपन याद आ गया, ये सुशील सिनेमा, उस सुशील सिनेमा के बारे में ये बताना चाहता हूँ, लगभग आज से 35 साल पहले उसका उद्घाटन हुआ था। उसके पहले उस थिएटर का नाम था निषाद सिनेमा। ये विश्व हृदय स्थली जो पूरे दुनिया का विश्व हृदय स्थली हमारा गदौरिया चौहानी पे है, उसी के दक्षिण की तरफ अगर थोड़ा सा 50 मीटर आगे बढ़ेंगे तो ये निषाद सिनेमा हुआ करता था करीब 400 साल पहले। उसके बाद 2-4-5 साल वो पिक्चर हॉल बंद हो गया बहुत दिन, फिर उसको नया डेवलपिंग करके उसको सुशील सिनेमा डाला गया। तो सौभाग्य की बात है कि मेरा जन्मस्थली भी वही है। उसी की बात है तो हम लोग घरों से जाते थे तो गलियों के बगल से ही हमारा रास्ता था, तो उसमें दरवाज़ा खोल कर भी हम लोग पिक्चर देख लिया करते थे, और हमारी बुआ का भी घर उसी पास में था।
अगर सुशील सिनेमा जाएंगे तो बगल से एक गली है, उसके बगल में हमारे जीजा बुधराम सिंह यादव रहते थे, हमारी दीदी बुआ भी रहती थी, तो उनके छत पर से जाके हम लोग दरवाज़ा खुलवा करके पिक्चर दिया के देखा करते थे। उस समय था वो निशाद सिनेमा, हमें लगता है हमारा उम्र उस समय 7-8 साल रहा होगा। तो बहुत सारे पर्यटक भी आते थे तो वहाँ अवलोकन करते थे कि ये सुशील सिनेमा बढ़िया खुला था, बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करता था। हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, 2-3 पिक्चर मैं भी देखा हूँ। ज़माना बदल रहा है, अब सभी जगह देखिएगा आईपी मॉल में, जेएचबी में नए नए मॉल खुले हैं, उसमें अच्छे तरह से बढ़िया से बना हुआ है पिक्चर। ये है कि बहुत लोग अब पिक्चर हॉल में नहीं जाना चाहते हैं, उनको टीवी पे, मोबाइल पे हर चीज़ तन तुरंत मिल जा रहा है, और 3 घंटा 2.5 घंटा वो समय भी नहीं देना चाहते हैं। जैसे यह है कि सुशील सिनेमा हॉल बहुत पुराना था, और कभी कभी आप वहाँ पर लुका छुपी भी खेले होंगे, या मतलब कह सकते हैं कि लोग वहाँ दौड़े होंगे, गलियों में दौड़े होंगे, कभी कभी जाके उसके अंदर भी गए होंगे, और तो उसमें जैसे माहौल एक होता था कि भीड़ की होती थी, गलियाँ तो वहाँ पर हैं, भीड़ होता था तो गलियों में से ही लोग सकरे गलियों में से लोग साइकिल जमा करने जा रहे हैं, साइकिल निकालने जा रहे हैं, और जब सांस छोड़ते थे उसका माहौल एक मेले जैसा हो जाता था। और बीच बीच में ये भी होता है कि मध्यांतर होता था या इंटरवल होता था, तो लोग खाने के लिए, मूँगफली लेने के लिए, पानी पीने के लिए, या ये कह सकते हैं कि समोसा, जो भी उसमें मतलब कि ऐसी चीज़ें बिकती थी जो सिनेमा हॉल के अंदर ले जा सकते थे, जो एक चाहक होता था परिवार के साथ फिल्म देखने की, जो भावना होती थी, जो एक दूसरे का प्यार होता था, वो प्यार अब इसलिए नहीं रह गया कि लोग जो है कि अब उस तरह जा नहीं पा रहे हैं। तो कैसा आपको लगा, अनुभव लगता है कि जो पहले का माहौल था आज के माहौल में क्यों इतना अंतर आ गया? या नहीं, तो अंतर आना ही है, समाना हमेशा बदलता रहता है, समाज हमेशा डेवलप होता रहता है और डेवलप होना भी चाहिए। डेवलपिंग के साथ अभी जिस मोबाइल से आप देखिए हमारा इंटरव्यू लोड कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इससे इसी में सब चीज़ आपको मिल जा रहा है। इसीलिए लोग जमाने के साथ हमारी जो भी सिस्टम है सब मोबाइल में मिल गया है। आप पिक्चर देखना चाहें, गाना सुनना चाहें, पिछले ज़माने का कुछ देखना चाहे जो 20-25 साल का है, सब इसमें मिल जा रहा है। ये हमारा कहने का तात्पर्य है, कभी कभी मतलब ये देखते हैं कि बहुत काफ़ी अंतर आ गया है, जनरेशन गैप उसको कहते हैं, तो आजकल के बच्चे तो जाएंगे ही नहीं फिल्म देखने के लिए, लेकिन कभी आप उस नुक्कड़ पर खड़े होकर कभी कभी याद किए हैं कि उस समय का मौसम कैसा था, उस समय का हमारा माहौल कैसा था, उस समय ज़्यादा आपको प्यार की अनुभूति होती थी, कैसा लगता है आपको? वो समय अलग था, परिवार के साथ लोग, माता पिता, हम भी अपने माता पिता के साथ पिक्चर देखने जाते थे, भाई बहनों भाभी के साथ जाते थे, क्योंकि नज़दीक का था, हम लोग गली से निकलते थे सीधे सुशील में आ जाते थे। उसमें कई पिक्चर होती थी, हम तो भूल भी गए, पिक्चर का नाम नहीं जानते। एक क्रोध पिक्चर देखे थे उसमें, एक मुकद्दर का सिकंदर उसमें हम देखे थे, ऐसे ही कई पिक्चर थी, तो मैं उसमें खुद देखा हूँ उसमें, और मैं वहीं से हमारा स्कूल का स्टाफ होता था, हमें स्कूल जाना होता था, वही सुशील सिनेमा के पास सीढ़ी है, देखिएगा सीढ़ी हुआ करता था, अभी है कि नहीं जानता मैं, वहीं सीढ़ी पे बैठ के मैं रिक्शे वाले का ये इंतजार करता था, और अपने गंतव्य भेलूपुर के लिए, सुकुमार शिशु विहार स्कूल था, वहीं से हमारा आना जाना होता था। इसलिए सुशील सिनेमा के लोग कहते थे कहाँ बैठा हुआ, हम बोलते सुशील सिनेमा के लगे बैठा ले, रिक्शा वाला आता तो हमको लेकर गंतव्य तक ले। तो वहाँ पर खड़े होकर मतलब इसी दौरान देखिए हमें पुराने ज़माने की बात याद आई, जब मैं स्कूल जाया करता था, हमें लगता है 3-4-5 में पढ़ते थे हम, तो वहीं पे लोग कहते थे जाके वहाँ सुशील सिनेमा के पास बैठ जाओ, तुम्हारा रिक्शा वाला आएगा और तुमको स्कूल तक ले जाएगा। फिर वो स्कूल वाला रिक्शा वाला कहता था चलो तो मैं सुशील सिनेमा तक छोड़ दूंगा, क्यों उसी के ठीक पीछे हमारा घर हुआ करता था। इसलिए सुशील सिनेमा से बहुत लगाव था कि सुशील सिनेमा के पास से हमको यहाँ जाना है, रिक्शा करना है, सुशील सिनेमा के गली में से निकल जाओ, अपना मदनपुरा चल जाओ, भेलूपुरा चल जाओ, कहीं भी चल जाओ। तो आपका उसमें मतलब सुशील सिनेमा का पुराना नाम क्या था? निशाद। निशाद था, उसके बाद धीरे धीरे मतलब उनका जो है कि कुछ साल बाद मॉडर्नाइज होने के बाद उसको सुशील सिनेमा किया। हमें लगता है पहली पिक्चर उसमें दूरियां वगैरह लगी थी, हमें जहाँ तक याद आ रहा है, हमारा उम्र बहुत कम था, लेकिन हमें याद है कि वहाँ दूरियां करके एक पहले पिक्चर लगी थी, और बहुत ही मॉडर्न स्टाइल का सिनेमा हॉल बना था, और उसके पीछे से हम लोग आना जाना रहता था, इसलिए लगाव बहुत ज़्यादा था। लेकिन अभी जैसे देख रहे थे कि पीछे जो है मतलब काफ़ी गली उली है, पीछे काफ़ी गली है और बहुत संकीर्ण रास्ता होता था, उसी में लोग मतलब आते जाते थे, एक माहौल बनता था बनारसी पना का, वो आज भी आपको लगता है याद है? नहीं नहीं अभी भी याद है, हम लोग का एक मकान और गणेश महल में है, तो हम अपने घर परिवार के साथ वहाँ से भी परिवार में 8-10 लोग इकट्ठा होकर के चलते थे, भाई चलो सुशील सिनेमा में देखते हैं। उस समय हमें लगता है 5 या 7 रुपये का टिकट मिलता था फर्स्ट क्लास का, हमें अभी भी याद है 3.5 या 5 रुपये का ऐसे ही आता था, तो हम लोग आराम से बैठ के 3 घंटा देख के खुशी खुशी अपने घर जाते थे कि सबसे नज़दीक था, इसलिए सुशील हम लोग के लिए बहुत सूटेबल होता था। या सिनेमा हॉल नहीं है, सुशील सिनेमा हॉल नहीं है, लेकिन आपके यादों में बसा हुआ है? यादों में है, अभी हम लोग यही बोलते हैं सुशील वाले बगल से गली से हम लोग को अपने घर के लिए जाना है। तो जैसे कहने का मतलब यह है कि डॉक्यूमेंट्री बन रही है सुशील सिनेमा हॉल के बारे में, और सारे बहुत से हाल हैं, धीरे धीरे उसका भी हम देखेंगे तो वीडियो बनाएंगे। तो जैसे कि
कैसा आपको मतलब डॉक्यूमेंट्री में कैसा लग रहा है कि मतलब कि ये जरूरी है कि नहीं? नहीं नहीं, बहुत जरूरी है। आपके चैनल वर्ल्ड लाइफ लाइन को मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ और खास तौर पे आपके माइंड को देना चाहता हूँ कि इतना दूर तक सोच के आप पिछले चीज़ों को इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से वर्ल्ड लाइफ लाइन में डालेंगे। बहुत सारा धन्यवाद हम आपको चैनल को भी देते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों को आप दिखाते रहते हैं और मैं हमेशा आपके चैनल को फॉलो करता हूँ, इसलिए हमको भी जानने का मौका मिला। जहाँ हमारा सहयोग रहेगा मैं अपने बातों के माध्यम से आपका सहयोग करता रहूँगा। धन्यवाद। आशा है दोस्तों कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। अगर मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा दोस्तों, इससे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप अपने दोस्त धर्मराज सिंह को आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रोमांचक सफर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Yeah.